नमस्कार, वार पलटवार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रिया खरे। लोकसभा का चुनाव तो नजदीक आ चुका है, दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर अमेठी और रायबरेली से ही है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में अभी तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं अगर हम कैसरगंज की बात करें तो यहां से भी इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा जा चुका है, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ना तो उम्मीदवार बचे हैं, ना ही खुद गांधी परिवार से कोई सदस्य अमेठी और रायबरेली से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसे देखकर कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग खड़ी होना चाह रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरेगा और उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सबसे बड़ी बात है कि कल 11 बजे नामांकन करने की अंतिम तिथि है, लेकिन इससे पहले अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की घोषणा नहीं की गई है। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से हो सकता है कि राहुल गांधी उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के साथ ही अगर गांधी परिवार की बात करें तो रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन ये अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। ऐसा भी हो सकता है कि रायबरेली से राहुल गांधी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, अमेठी से कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अमेठी की क्या तस्वीर है ये किसी से छिपी नहीं हुई है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने अभी पकड़ अच्छी बना ली है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटखनी देते हुए जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस का गढ़ जो है अमेठी और रायबरेली से ही रहा है, तो इसलिए गांधी परिवार के सदस्य को ही यहां से उतरना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उतरेगा कौन? क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी जो कि गढ़ रहा है अमेठी और रायबरेली, यहां से गांधी परिवार जो है पीछे खसक जाएगी? क्या यहां से कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी? तमाम सवाल है जिस पर चर्चा करना जरूरी है और वार पलटवार में इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी से दिवाकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस से पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पंडित राज शर्मा जी आपसे ही रहेगा, क्या वजह है क्यों अभी तक पत्ते कांग्रेस की तरफ से नहीं खोले गए हैं? आखिर ऐसी कौन सी कड़ी है जो जुड़ नहीं पा रही है? और जो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कयास लगा दे, मैं भी कयास लगा लिया हूँ, मुझे तो पता ही है जो भारतीय जनता पार्टी जिसको जो सोच रही है ये समझ लीजिए उनकी भूल। जिस चाट भारतीय जनता वो कल नॉमिनेशन कराए, और रही बात कि इन्होंने अभी दिनेश प्रताप सिंह को घोषित कर दिया तो अभी लास्ट नाइट ही तो किया, अभी तो घोषित किया है 3 घंटे पहले, इसमें क्या फर्क पड़ता है? और मैं तो एक बात भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देना चाहता हूँ कि आप अपने घर को देखिए। मेरा मानना है कि एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें तो पत्थर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। और एक और सर, सबसे बड़ा सवाल है कि कल नामांकन की अंतिम तिथि है लेकिन अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सोच के देखिए अगर इन दोनों में से कोई एक उम्मीदवार उतरता है और एक पर किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है तो क्या उनके पास तैयारी के लिए समय बच पाएगा? आप इस बात को बात मान ले कि पहले भी एक बार राजीव गांधी जी ने लास्ट ही दिन को उन्हें घोषित किया था और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। आपको एक चीज में क्लियर करना चाहता हूँ कि अमेठी और रायबरेली गांधी फैमिली के लिए कोई पॉलिटिकल एरिया नहीं, वो एक पारिवारिक स्थिति है, पारिवारिक है। अमेठी हो या रायबरेली हो वहां से एक पारिवारिक नाता है और सब लोग जानते हैं कि वहां से ठीक है, वो इत्तेफाकन हुआ कि राहुल जी हार गए मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, हारने को तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी हारे, हारने को तो अडानी साहब भी हारे और हार तो मोदी जी भी हारे। और याद रखिएगा एक बात, मैं आज दावे के संग कहता हूं कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कण को देख लिया और सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि रोटी के दूसरे हिस्से को सेकने की वो है। आज देश की सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से आक्रोशित है। आज से पहले कभी प्रधानमंत्री किसी भी, मेरे देश 1947 में आजाद हुआ था
और मैं गौरवान्वित फील करता हूँ कि मैं इस देश में 2014 से पहले पैदा हुआ था। और मैं बता, किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी इतना घटिया बयान नहीं दिया जितना मेरे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने दिया। क्या जरूर एक महिला जिसके सारे आभूषण, उसे अगर आभूषण पहनाओ तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रिय उसके लिए एक मंगलसूत्र होता है और एक मंच से एक नेता जिसको सिर्फ प्रधानमंत्री। भाषण पर तो सर बहुत बार चर्चा हो गई है, लेकिन सवाल इधर जो है वो अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज को लेकर ही खड़ा हो रहा है, तो हम इसी मुद्दे पर रहेंगे। चलिए हम जवाब ले लेते हैं दिवाकर जी से। दिवाकर जी, अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं, बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं रायबरेली से। क्या लगता है कि अगर रायबरेली से एक बार फिर से आपने टिकट दिया है दिनेश शर्मा जी को, लगता है कि जीत पाएंगे, इस बार फिर से जीत हो पाएगी उनकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन है, उसके कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार लोगों के बीच में काम करती है और लोगों से कनेक्ट रहती है। उम्मीदवार चाहे जब आए और चाहे जो हो, उम्मीदवार का कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिनेश प्रताप सिंह की बात की जाए, दिवाकर जी दिनेश प्रताप सिंह की बात की जाए, रायबरेली से बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है, लेकिन अगर पिछले बार की भी देखी जाए तो पिछले बार भी उन्हें हार का मुंह ही देखना पड़ा था, सोनिया गांधी से वो हार चुके थे, एक बार फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार जो है उन्हें खड़ा किया है। क्या लगता है अभी तक रायबरेली की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का गढ़ अभी भी कायम है, जीत दर्ज करना इतना आसान होगा? देखिए, अगर कांग्रेस को यह लगता कि उसकी जीत निश्चित है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी, फिर वो राज्यसभा के लिए यहाँ से न जाती और रायबरेली छोड़ करके न जाती, तो पहले से ही सोनिया गांधी के जाने से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी डाउन है। दूसरी चीज लगातार है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है, लगातार नियमित क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां है उनको लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, संवाद करते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुखी जो है पूरी पार्टी लगातार चुनाव में लड़ती है। दिनेश प्रताप सिंह को पार्टी ने आज उम्मीदवार घोषित किया, निश्चित तौर पर वो एक सशक्त कैंडिडेट है और अच्छी चुनौती दे पाएंगे। रही बात कांग्रेस की, जब कल नामांकन की आखिरी तारीख है और अभी तक जब उनका उम्मीदवार तय ही नहीं है, तो जब जिसके लिए उन्हें क्षेत्र में जाना है वो किसके नेतृत्व में जाएंगे, किसके लिए वोट मांगेंगे, जब अभी तक यही तय नहीं है तो उनके बारे में फिर क्या कहें। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी लड़ाया था, इस बार भी दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य जैसे आपने कहा था हमारी पार्टी है, जबकि मैं आपको क्लियर करूं, आपकी पार्टी नहीं, आपकी एक कंपनी है जहां पे एक सीईओ की चलती है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर की चलती है और एक डायरेक्टर की चलती है, और पार्टियां वो होती है जिसमें पावर डिसेंट्रलाइज होती है। राज शर्मा जी, लेकिन सवाल तो बीजेपी पूछेंगे ही ना, क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तिथि है और अभी तक उम्मीदवार नहीं खड़े करना बीजेपी के पास एक पॉइंट है, वो घुमा के सवाल तो आपसे पूछेंगे ही। मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ, मैं प्रिया दे रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, इन्होंने कब घोषित किया था? 10-12 दिन पहले घोषित कर दिया था, क्या शायद भूल रहे थे? कर दी, आज ही तो घोषित किया है, बिल्कुल आज कौन सा नामिनेशन करा दिया आपने? जब आप सोच सकते हो इधर सुन लीजिए, तो क्या हमारी पार्टी नहीं सोच सकती? सवाल नहीं, सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास है। आप 10 साल पावर में रहे थे, आपको क्या डर था जब आपने काम किया था? चौ तो आपको क्या डर था 20 दिन पहले दिनेश प्रताप सिंह का टिकट घोषित करने में? आपको क्या डर था केसरगंज से टिकट घोषित करने में? क्या डर रहे थे कि 10 साल काम नहीं किया? क्या ये डर था कि रेपिस के साथ आपका नेता मेरे देश का प्रधानमंत्री? दिवाकर जी, पहले राज शर्मा से सवाल ले लेने दीजिए ना, वो जो जवाब दे रहे हैं वो सुन लेने दीजिए, उनके पास क्या सवाल है वो सवाल लेके मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए राज शर्मा जी, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात जानना चाहिए। देश में आपने आज घोषित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम कांग्रेस पूछती है आपने घोषित क्यों नहीं किया? सवाल तो मेरे भी है आपसे, आपने केसरगंज से क्यों लेट किया? और मेरे देश का प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी का, आपकी कंपनी का नेता, एक रेपिस्ट, मास रेपिस्ट, जिसने कईयों लोगों को रेप किया है, यौन शोषण किया, और वो मेरा देश का प्रधानमंत्री कहे,
उसको वोट देने का मतलब मेरे वोट में जाता है, इसका मतलब जो उसने हरकत करी क्या वो भी प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर करें। दिवाकर जी आपके बात में जवाब दीजिए। दिवाकर जी, राज शर्मा जी ने जो बात कही है ये बिल्कुल भी जायज है और जनता भी कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना चाहती है कि आप लोगों ने देरी क्यों की। अगर रायबरेली अमेठी से घोषणा नहीं की जा रही है तो रायबरेली से तो आपने भी देरी की। आज अंतिम दिन आपने जो है पत्ता खोला, नामों की घोषणा की, कैसरगंज में भी वही स्थिति रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी देखना चाह रहे थे कि आखिर कांग्रेस कौन से पत्ते खोल रही है, इसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाए। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी के चयन में लगातार एक प्रक्रिया होती है। पार्टी अपने स्तर से सर्वे करा करके केंद्रीय चुनाव समिति टिकट देती है, क्योंकि पहले से ही लगातार मात्र दो ही सीटें ऐसी थी जिस पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और पार्टी ने कहा था समय रहते हुए टिकट की घोषणा की जाएगी, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह पहले से वहां से जनप्रतिनिधि है, वो कार्यकर्ताओं से रूबरू लगातार संवाद करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उनको टिकट दिया गया है। तो ये कहना कि टिकट लेने में देरी क्यों हुई, वो लगातार क्षेत्र में रहते हैं और उनको मौका दिया गया है, तो निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ताओं से जो सवाल दिवाकर जी आप लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं, वही सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने देरी क्यों की। कल नामांकन की अंतिम तिथि है, आज घोषणा करना जरूरी था, इसलिए आप लोगों ने नाम की घोषणा की। अब कांग्रेस जब पत्ते खोलने की बारी है तो आप सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आपके उम्मीदवार का जो है वो घोषणा हो चुकी है और अब आप सवाल उठा रहे हैं, तो आपके भी प्रत्याशी, आपके भी तो उम्मीदवार को समय नहीं मिलेगा सर। कल नामांकन का अंतिम तिथि है, क्या उनके पास भी इतना समय बचा है तैयारी करने के लिए? भाजपा ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है वो पहले से वहां से लगातार रहते हैं, वहां से कनेक्ट हैं, वहां से जनप्रतिनिधि और लोगों के बीच में रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी पार्टी में टिकट ऐसा नहीं है कि लगातार कई सूचियां जारी की गई हैं और उसी सूची के क्रम में भी आज यह सूची जारी की गई, तो ऐसा नहीं कि कोई पार्टी की बाहर से दिया गया है कैंडिडेट वहां के स्थानीय नहीं, वो लगातार उसी क्षेत्र में रहते हैं, केवल वो लगातार किसी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट है, संवाद करते हैं। कांग्रेस ने कहा से बाहरी को दिया है सर, क्योंकि कांग्रेस का पहले से वहां से सोनिया गांधी सांसद थी। हाँ, और वो क्योंकि राज्यसभा सोनिया गांधी बाहरी थी क्या सर? इस बात को हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि जो रायबरेली और अमेठी से लड़े, क्योंकि उसे पहले से भी यही है, ये आभास है कि रायबरेली और अमेठी वो नहीं जीत पाएंगे। अभी तक लगातार सस्पेंस बना, क्योंकि वो उनकी पैतृक सीट मानी जाती है, वो उनकी पहले से ये पुस्तैनी सीट मानी जाती रही है कि यहाँ से कांग्रेस के फैमिली के लोग लगातार लड़ते रहते हैं, तो इसी वजह से ही उनके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता ने धरना तक दिया है कि टिकट घोषित होना चाहिए। हमारे यहाँ तो टिकट घोषित होने की एक प्रक्रिया है, जब भी नंबर आया टिकट घोषित हो गया, ऐसा है नहीं कि सभी का टिकट आज घोषित किया गया, मात्र दो ही सीटें ऐसी थी जिनका टिकट घोषित नहीं किया गया था, तो उसे आज घोषित किया गया। चलिए दिवाकर जी, आप पहले जो है अपने वीडियो को पॉज किया हुआ है, शायद वो ठीक कर लीजिए, हम तब तक राज शर्मा जी से ले लेते जवाब। बोलिए राज शर्मा जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिवाकर जी की कोई गलती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डायरिया दी जाती कि ये यही बोलना है, इनको शर्म नहीं आती। एक महिला, सब लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी जी की तबीयत सही नहीं रहती, वो इतना लोकसभा के इलेक्शन के लिए नहीं घूम सकते, लेकिन ये लोग महिला विरोधी है, ये इनके घर में इनकी महिलाएं इनकी इज्जत नहीं कर रही है। ये एक महिला जो कि 75 साल से ऊपर की है और थोड़ी सी बीमार भी चल रही है, अगर वो राज्यसभा सदस्य बन गई तो ये कहते हैं कि वो भाग गई, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये ही इनकी महिलाओं के प्रति सोच, महिलाएं इनको वोट ना करके इनको सबक देगी। मुझे एक बात बताना चाहिए, अगर यही बात है तो आपने अडवाणी जी को क्यों नहीं टिकट दिया? क्यों नहीं दी? मैं तो ये मानता हूं कि उनकी एक उम्र है, उनको टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते। सोनिया जी एक महिला है और इन लोगों को क्या पता है, ये तो राक्षस लोग हैं, ये राक्षस, उन्हें क्या पता, इन लोगों को दिवाकर जैसे नेता को क्या पता है या इनके गुरुओं को क्या पता है कि महिलाओं की क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इनके घर में एक समय आएगा, पर्सनल अटैक मत करिए राज शर्मा जी। चलिए सवाल सुन लीजिए राज शर्मा जी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई है, बीजेपी को हराना है और देश से बीजेपी को निकालना है, ये तमाम कई मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में है, लेकिन बसपा ने कैसरगंज से उम्मीदवार उतार दिया है। सिर्फ कैसरगंज की बात नहीं है, यूपी के हर एक सीट से बसपा अलग अलग उम्मीदवार उतार रही है, चुनावी मैदान में है, ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं नजर आ रही है सर? मेरे से पूछा जी, आपसे ही पूछा मैंने।
मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए ये नेतागिरी, इसमें सब चीज चाहते हैं, हर किसी को एक नेतागिरी का नशा होता है, नशा ऐसा होता है वो छूटता नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि सब ध्रुवीकरण कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण नहीं करती है? मेरे ही क्षेत्र में निशा जी आए थे, उन्होंने देश के लिए ये नहीं बताया जनता को कि देश में मैंने क्या अच्छा किया, उनका वही रोल आप है, जैसे एक निरूपा राय रोती थी और नूतन रोती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे अमृतपुरी से हिसाब लेंगे। आप प्रधानमंत्री नेहरू जी को गाली देते हो, आप राजीव गांधी जी को गाली देते हो, आप मनमोहन सिंह जी के लिए क्या नहीं कहा था मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर होते हुए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, शर्म नहीं आई थी कहने से पहले? और एक और बात, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ पहली बार मेरे देश का प्रधानमंत्री होगा जो किसी मास रेपिस्ट करने वाले के मंच को साझा कर रहा था। मैं समझता हूं इससे ज्यादा इस संसार में, सृष्टि में महिलाओं की बेइज्जती, महिलाओं की आबरू की जो तिरस्कार किया गया, ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं था। और महिलाएं देश की समझ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी ये झूठ और फरेब से सत्ता करेगी। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, अमेठी रायबरेली की बात हो रही है, कैसरगंज की बात हो रही है, यहीं तक रहते हैं। कैसरगंज में इंडिया गठबंधन यानी सपा को सीट गई है, अभी तक सपा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं, क्या लगता है क्यों देरी हो रही है? अमेठी रायबरेली कैसरगंज क्यों देरी हो रही है सर? हमारी पार्टी लगातार जो है वो महिलाओं के लिए काम कर रही है। दिवाकर जी बीच में प्लीज मत बोलिए, सुनने दीजिए मुझे। पांडे जी थोड़ा सा सुनने की आदत डालो, आप भूल गए हो कि आप सत्ता के नेता हो। चलिए राज शर्मा जी जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए एक बात को सुन लीजिए कि कल नॉमिनेशन होगा, रायबरेली अमेठी में नॉमिनेशन होगा। आप कैसरगंज की स्थिति सर क्या है, क्योंकि अभी तक तो वहां पर भी नामों का डिक्लेयर कुछ नहीं किया गया है, सपा के उम्मीदवार वहां उतरने हैं, सपा को सीट दी गई है, लेकिन अभी तक वहां पर भी सस्पेंस है। नहीं, मेरी बात, इन्होंने ब्रिजभूषण का 10-12 दिन पहले कर दिया था, उनके बेटे का आज ही क्या है, हम कल कर, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है? नॉट द इंडियन सिग्नल बाय द गार्ड, हम लोग इंडियन नहीं है कि ये गार्ड बन के हमें चलाएंगे हमारी पार्टी। सीखना चाहिए, राजनीति सीखनी है अभी, ये धोखेबाज है। और मैं एक और बताता हूँ, देश में इनके प्रति जो आक्रोश है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुंघरू की तरह टूट गई है। शीशा तो टूटने के बाद बिखरता है तो दिखता है, घुंघरू जब बिखरता है तो कभी दिखता नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश में भी इन्हें कम से कम 30-40 सीटों का नुकसान हो रहा है। चलिए, दिनेश प्रताप सिंह जिन्हें बीजेपी ने उतारा है चुनावी मैदान में, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? रायबरेली से चुनावी मैदान में है, मैं कहूं जी, मैं ये कहता हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं अपने को सुधार के चलना पसंद करता हूँ, चैरिटी लीगल एट होम। दिनेश प्रताप सिंह पहले भी हारे थे, अब भी हार रहे, उन्हें तो बंदी का बकरा बना रहे, वो नहीं लड़ना चाहते थे, दिनेश प्रताप सिंह नहीं लड़ना चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के पास वहां लड़ने के लिए कोई था नहीं। अगर दिनेश प्रताप सिंह को ही टिकट देना था तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले क्यों नहीं डिक्लेयर करा? उनके पास था ही नहीं, बिल्कुल यही सवाल तो घुमा के बीजेपी आपसे भी पूछ रही है सर कि कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास में, यही सवाल तो बीजेपी आपसे भी पूछ रही है ना सर। देखिए एक और बात, अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड होता है, आपको भी पता कौन लड़ेगा, मुझे भी पता है कौन लड़ेगा, दिवाकर जी को पता हो ना हो ये कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, लेकिन जिन चीज को आप चाह रही है कल वो नॉमिनेशन करेंगे लीजिए। चलिए दिवाकर जी यहाँ पर राज शर्मा जी ने तो साफ कर दिया है कि अमेठी और रायबरेली जो है वो गांधी परिवार का गढ़ रहा है, इंतजार करना होगा और कल जो है नामांकन के दौरान चीजें तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब सवाल आपसे है कि दिनेश प्रताप सिंह जिसे बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है उनके बारे में क्या कुछ कहना है? दिवाकर जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल दिवाकर जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, हम राज शर्मा जी के साथ में ही रहेंगे। राज शर्मा जी, दिनेश प्रताप सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो वो पहले, उनका ऐसा है स्थिति कि कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, हर एक पार्टी का स्वाद वो चख चुके हैं, चाहे वो सपा की पार्टी हो, चाहे बसपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, और अब बीजेपी। भरोसा कर पाना इतना आसान है
हो सकता है कि ट्राई कर रहे हैं 2019 में वो बीजेपी में गए, बीजेपी से उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, हो सकता है 2024 में भी अगर हार जाते हैं तो फिर से वो किसी एक पार्टी में घूम के जाएंगे। ना प्रिया जी, मैं दिनेश प्रताप सिंह के लिए ये बात नहीं कहूंगा वो किस किस पार्टी में गए, जैसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, मगर बड़ी खुशी के कहता हूँ ये कांग्रेस युक्त हो चुकी है। हर नेता फायदे के लिए जाता है, और आज आज इनके तो नेता ही नहीं, ये प्योर बीजेपी कहाँ है, प्योर जनसंघी कहाँ है, इनके पास नेता कहाँ है। मेरा बस मैं जहां पे चाह रहा हूं कि जब आपने भी मुझे पहले को थोड़ा इंटरप्ट किया था कि अमेठी केसरगंज और रायबरेली की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब रायबरेली के बाद रायबरेली को भारतीय जनता पार्टी को दिनेश प्रताप सिंह को ही टिकट देना था, 10 दिन पहले क्यों नहीं दिया। सवाल सिर्फ इतना है। और एक और बात, आप किसी भी ठाकुरों की इज्जत से मत खेलो, आप जातिवाद, आप योगी चीफ मिनिस्टर हैं, वो मठाधीश हैं। मैं आपसे भी कहता हूं प्रिया जी, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मगर मैं योगी जी का बींग ए मठाधीश इज्जत करता हूं, इन लोगों ने जीना हराम कर उनके, मुझे पता, मुझे दिवाकर जी भाग्य होंगे, इन्हें आपकी आवाज नहीं सुनेगी, इन्हें देश की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं कि मुझे ये बता दे कि यूपी में मुख्यमंत्री कितने हैं। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री 3 है। कभी भी पहले क्या होता था कि मुख्यमंत्री बनता था, उप मुख्यमंत्री बनाए जाते थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता था, लेकिन अब इन्होंने 25-25 जिले बांट दिए। यानी मैं आज भी कहता हूं मुझे बड़ी शर्म लगती है, एक मठाधीश जिसको किसी चीज का लालच नहीं, 75 जिलों का उसे नाम का मालिक बनाने के बाद आपने 25 जिलों में उसे एक सरेंडर करने के लिए कर दिया, वहीं सीमित कर दिया, शर्म नहीं आती आपको? आपने उसके अगल बगल 2 जासूस बैठा दिए, आपने एक मिनिस्टर जो कि IAS कैडर गुजरात का था आपने बैठा दिया, और आप जब चाहे आपके मंत्री, जब चाहे आपके नेता, एक मठाधीश जिसको कोई लालच नहीं है। राज शर्मा जी, कैसरगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रजभूषण के बेटे को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है, क्या लगता है कि जनता भरोसा कर पाएगी? जिन पर इतने आरोप लगे थे, महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था, अब उनके बेटे को टिकट दी गई है, अगर ब्रजभूषण को टिकट दी जाती तो कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज होती, ये बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए उनके बेटे को टिकट दिया गया है, तो क्या जनता एक बार भरोसा कर पाएगी कि उसी परिवार के सदस्य को जनता जो है चुन पाएगी? मुझे तो इससे पहले कहना है, जनता से पहले तो देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी। अरे शर्म की बात आती है, जब उसके बेटे को देना, सॉरी उसके नहीं, उनके बेटे को देना होता तो उन्हीं को दे देते, ये भारतीय जनता पार्टी है। आप हजारों औरतों के संग यौन शोषण कर ले, अगर इन्हें लग जाए कि एक व्यक्ति से मुझे एक MP सीट जिता दे तो ये 4-5 जीत जाएंगे, ये उनको दे देंगी। और मैं एक केसरगंज के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, ये याद रखना, हमारे घर पे ये देश देवियों का देश है, और यहाँ की महिलाओं, विशेषकर पूरी संसार में अगर जोड़ा जाए तो भारत की महिलाओं पे विश्वास किया जाता है, भारत की महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। अगर मैं कहता हूँ केसरगंज की बात कर रही है, तो केसरगंज की महिलाओं से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप ब्रजभूषण के लड़के को वोट मत देना, क्योंकि बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी होगा। मैं आज कह रहा हूं। राज शर्मा जी, रायबरेली की बात कर लेते हैं, रायबरेली से क्या लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकती है, क्योंकि जिस तरह से बयान जो है सामने आ रहे हैं, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहती है, वो सिर्फ कैंपेन करना चाहती है, हालांकि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी जो है वो कांग्रेस यानी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, तो यहां से गांधी परिवार को मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि अगर रायबरेली या अमेठी से किसी एक जगह से ही गांधी परिवार का सदस्य उतरता है तो दूसरे जगह तो दूसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन जिस तरह से उत्साह अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, क्या उसमें कमी नहीं आएगी? मैं बता दूं, विनम्र तरीके से बता दूं, कल जब सुबह होगी, कल का सुबह जो 10 साल से इस देश में अंधेरा लगा हुआ है वो अंधेरा छटने का दिन होगा। कल आप देखेंगे 12 बजे से पहले क्रिस्टल क्लियर बातें हो जाएंगी। और याद रखिए, कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, और मैं ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि देश के लोगों ने भी कांग्रेस को बहुत प्यार दिया,
पिछले 10 सालों में, देखिए हम ही वो लोग हैं जब इन्होंने 2004 में 6 महीने पहले इलेक्शन करा दिया था साइनिंग इंडिया, तो हमने उस साइनिंग को ब्लर किया था, हम जीते थे, 10 साल हमारे पास भी सरकार रही थी। अब 10 साल जो इन्होंने धोखा दिया देश समझ गए, देश ने पहले इन्हें 2014 में जो 18 साल का बच्चा जिसे राजीव गांधी जी ने एक अधिकार कानून बना के दिया था कि 21 साल से 18 साल कर दिया था, उस लड़के से इन्होंने कहा था कि देश की राष्ट्रवाद के लिए, देश की उन्नति के लिए अपना पहला वोट मुझे दे दीजिए। बच्चे को राज शर्मा जी, समय कम है, अंतिम सवाल आपसे पूछ रही हूँ, अमेठी का गढ़ बचाने के लिए अब कांग्रेस को लड़ाई जो लड़नी पड़ रही है इसमें दुगनी मेहनत की आवश्यकता है। रायबरेली आपके लिए फिलहाल अगर हम 2019 का चुनाव पर नजर डालें तो वो सुरक्षित रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में कौन खड़ा हो रहा है कांग्रेस से, ये फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि हाँ प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन स्थिति साफ नहीं है। अमेठी को किस तरह से कांग्रेस बचा पाएगी और रायबरेली की साख बचाने के लिए कितना आपको लग रहा है कि ये चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए मैं अमेठी को ही नहीं मानता, अमेठी की साख नहीं बचाने का सवाल है, सवाल तो देश की बचाने का है, जिसके लिए मेरी पार्टी का नेता जन नायक, जिसने पूरे देश में पैदल चलकर यात्रा की, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़िए विश्व में कोई भी पार्टी का बड़ा नेता ऐसा नहीं जो अपने देश में पूरे देश की पैदल यात्रा करता हो, देश की देश। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमेठी रायबरेली पर फिलहाल सस्पेंस अभी तक बरकरार है, कौन उम्मीदवार होगा ये कांग्रेस की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। बीजेपी की तरफ से रायबरेली सीट पर जो सस्पेंस था वो क्लियर हो चला है, दिनेश प्रताप सिंह को एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह जो है वो 2019 में रायबरेली सीट में सोनिया गांधी से हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, वो भरोसा पे कितना खरा उतरेंगे। रायबरेली सीट जो 2019 में भी एकमात्र वो सीट थी जो कांग्रेस के खाते में आई थी, क्या इसे फिर से बचाने में कांग्रेस कामयाब हो पाती है? साथ ही अमेठी की बात करें तो अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने दावा कर दिया है कि वो फिर से चुनाव जीतने वाली है, और इन सब के बीच क्या अमेठी में अगर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर से अमेठी को कांग्रेस के गढ़ में शामिल कर पाएंगे या नहीं, सस्पेंस हर चीज पे बरकरार है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह अलग ही देखा जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंतजार थोड़ा और कर लीजिए क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तिथि है और इस तिथि के दौरान ही बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अमेठी और रायबरेली में क्या गांधी परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में उतर रहा है। अमेठी और रायबरेली की जनता गांधी परिवार को देखना चाहती है, तो ये तस्वीर के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है और उसके बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। वार पलटवार में बस इतना ही, आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।